गाइस आपका स्वागत करता हूं मैं अपने न्यू ब्लॉग में और हम इस टाइम हैं नैनीताल में। आज मैं आपको नैनीताल में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा, ऐसी लोकेशन दिखाऊंगा जो शायद आपने पिछले कभी किसी के ब्लॉग में देखी हो या ना देखी हो तो आपको पता होगा। और फॉग के नज़ारे आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फॉग है यहाँ पर इस लोकेशन में, क्योंकि अब हम नैनीताल पहुँच चुके हैं। मैं नैनीताल से शुरू कर रहा हूँ अपना ब्लॉग और चाइना पीक और कैब गुफा उसके आपको पूरे मैं आपको पूरा दिखाऊंगा उसके बारे में। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं 2 तारीख का हाल, नैनीताल रोड में हुआ कांड। यह आप कार देख सकते हैं, ये रोड से चलती हुई कार, करीब मॉर्निंग के टाइम में यह एक्सीडेंट हुआ है। और ये कार देखिए, रोड और नीचे खाई देखिए कितनी दूरी है, इतनी गहरी जगह जाके वो कार गिरी है। दिखा दिया वो तो जाएंगे नहीं। हाँ एक बार और देखो, आंखें खोल लो जो थोड़ी ढेर सारी। दोनों हाथ है सिर्फ, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आप सबकी फेवरेट जगह में नैनीताल। ये झील के नज़ारे देखें आप, काफ़ी सुंदर नज़ारा है क्योंकि आज बिल्कुल धूप निकली पड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने रोड में देखा होगा तो फॉग ही फॉग लगा पड़ा था रोड में, तो बिल्कुल फॉग ही फॉग था वहाँ पे। और इस नैनीताल झील में बिल्कुल देखिए फॉग बिल्कुल नहीं है, धूप की पूरी रोशनी रोशनी है। क्या रंगीन नज़ारा हो रहा है, देखिए टूरिस्ट लोग देखो कितने आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ है टूरिस्टों की। बोटिंग के अलग ही नज़ारे होते हैं यहाँ, देखिए आप 400 रुपये पर्सन आप देख सकते हैं। पूरे झील में देखिए कितनी नाव ही नाव चल रही है, देखिए बत्तख वाली नाव और ये देखिए आप ये वाली चप्पू वाली नाव देख सकते हैं आप। क्या बढ़िया व्यू हो रहा है आज। तो दोस्तों इस लोकेशन को हम बाय बाय करते हैं, अब आगे की तरफ जाते हैं जहाँ पे मैंने आपको दिखाना है पूरा उस चाइना पीक का नज़ारा दिखाना है और कैब गुफा का, तो आगे की तरफ चलते हैं अब। तो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा ये मंदिर केसरिया कलर में, जिसका ऊपर का जो भाग है केसरिया कलर का है। ये सत्यनारायण जी का मंदिर है नैनीताल में, इसके दाएं तरफ है चाइना पीक। और यहाँ से अगर आपने कभी यहाँ पे जाना है तो ये मुश्किल से 1 किलोमीटर का सफ़र है, वो भी इस सीढ़ी के द्वारा जाएंगे आप, जहाँ से स्कूटी आ रही है इस सीढ़ी के द्वारा ऊपर को जाएंगे, 1 किलोमीटर का सफ़र है। इस टाइम हो रहा है करीब 4 बज रहे हैं, तो हम लोग यहाँ ऊपर नहीं जा रहे हैं
क्योंकि हमारा ऊपर जाना सही नहीं है मौसम के हिसाब से और समय के हिसाब से, ना चाइना पे क्या ना ही नारायण मंदिर की तरफ। यहाँ की आप ये पल्ली वाली रोड है, ये भी चाइना पिक को जाती है, लेकिन ये लॉन्ग रोड है।